ब्रदर, ना ये तेरा मैटर है ना मेरा मैटर है, ये फैमिली मैटर है। भाई सल्लू भाई तो अपना भाई है भाई, जहां भी आ जाए हिला देता है भाई साहब। इसी तरह ये गॉडफादर का फाइनल मैंने ट्रेलर देख लिया भाई साहब, लेकिन एक बात बता दूं, ये ट्रेलर अभी तक हिंदी में नहीं आया। जब तक मैं ये वीडियो डाल रहा अभी तक हिंदी में नहीं आया। पता नहीं यार कुछ नया प्लानिंग करके रखा है क्या, पता नहीं भाई साहब। इस भाई का जो अपने सल्लू भाई का डायलॉग है वो पहले तुम लोग सुनो। भाई की जो एंट्री है ना बाइक से, भाई हेलो ब्रदर, यार ये ना मेरा मैटर है ना तेरा मैटर है, ये फैमिली का मैटर है भाई साहब। अगला पूछता है यार किसका भाई, तेरे बड़े भाई के बड़े भाई का, गॉडफादर का भाई साहब। यार क्या जान है, मतलब इनकी जो आवाज़ में है ना भाई काफ़ी ज़्यादा जान है। तो फाइनली इस वीडियो में पूरा ही बात करेंगे एक्चुअली में ट्रेलर में क्या दिखाया जाएगा, और हिंदी ट्रेलर कब तक आने के चांसेस है, और ऐसा क्यों किया गया कि सलमान खान के डायलॉग को सिर्फ हिंदी में रखा गया बाकी को हिंदी में नहीं रखेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई। देखो ट्रेलर में मेरे को कुछ अच्छा लगे चाहे नहीं अच्छा लगे, मेरे को ना भाई साहब ये जो मेगा स्टार चिरंजीव सर की जो एंट्री, भाई अभी यार मैं तुमको समझा नहीं सकता यार, ये जो एंट्री और साइड एंगल का जो कैमरा है ना भाई साहब, जो आदमी के साथ आते भाई यार, मतलब क्या ही कैमरामैन ने क्या ही दिमाग लगा के शूट किया। उसके पास उनका जो गेटअप देखो, दाढ़ी देखो, मतलब हर कुछ परफेक्ट लग रहा है। उसके बाद से तुम देखना वो जो चश्मा पहनने का स्टाइल, भाई साहब यार सच में मैं तो बवाल लग रहा, मैं फिदा हो गया यार ये जो स्टाइल देखकर। उसके बाद से बोला जाता है द मोस्ट डेंजरस एंड मिस्टीरियस मैन ब्रह्मा। हो सकता है कि चिरंजीत सर का नाम इसमें ब्रह्मा भी है, या बहुत सारे हो सकता है लोग इनको ब्रह्मा के नाम से बुला सकते हैं शायद इस मूवी में भाई साहब। लेकिन ब्रह्मा से यार भाई साहब यार ब्रह्मा मतलब समझ लो यार, तो ये गॉडफादर भी है ब्रह्मा भी है, मतलब इसीलिए शायद इनको मिस्टीरियस पर्सन कहा जा रहा है। मेरे को सबसे पर्सनली चिरंजीत सर का जो एक स्टाइल है भाई साहब, एनिमी को ऐसे घुमा के जो पीछे बैठ के जो गन चलाते ना भाई साहब, वो टीजर में मेरे को काफी ज्यादा मस्त लगा। तो इसमें तो थोड़ा ज्यादा सीन दिखाया गया तो और भी ज्यादा ओपी लग रहा है। और एक जगह देखना तुम जे मतलब कैदी का कपड़ा पहन के जिसमें यहाँ पर 7786 लिखा हुआ, वहां पर भी जो डायलॉग देते ना भाई यार, माइंड ब्लोइंग डायलॉग देते हैं। वहां में थोड़ी बहुत सीन भी दिखाए गए जैसे माफिया हुआ, जैसे आप सभी को तो ये बात पता होगी ये लूसीफर का रीमेक है, ठीक है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस मूवी की कहानी। हो सकता है कि कुछ इसमें सलमान भाई है और चिरंजीत सर है, तो थोड़ी बहुत स्टोरी इधर उधर की होगी। और मेरे को ना भाई साहब ये चिरंजीत सर का एक और लुक अच्छा लगता है, एक्शन जो वो पीछे ऐसे हाथ करके रखते हैं ना भाई साहब, यार काफी ज्यादा औसम लगता है ये। उसके बाद भाई साहब अपने सल्लू भाई की एंट्री होती है हार्ले डेविडसन में भाई साहब, ये जो लुक है ना गेटअप लुक, फिर ये सल्लू भाई अपने डायलॉग देते हैं हेलो ब्रदर, ये तेरा ना मेरा मैटर है, ये फैमिली का मैटर है। उसके बाद गॉडफादर, यार भाई साहब यार मतलब इतना जबरदस्त किस्म का ना भाई। उसके पास लास्ट सीन में तुम लोग देखना ना भाई, मतलब चिरंजीत सर और यहाँ पर सलमान खान सर ना दोनों ही M249। अब M249 मैं कोड में बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक पबजी प्लेयर हूँ, अगर तुम पबजी खेलते तो जानते हो उसको मशीन गन बोला जाता है। भाई साहब जो पकड़ा है ना गन ऐसे करके भाई चलाते जा रहे भाई साहब यार, मतलब टाइगर के बाद से इसमें इनको देखा भाई साहब ये गन चलाते, और ये गन इनमें काफ़ी ज़्यादा सूट करता। उसके बाद भाई साहब यार क्या ही बताओ, जो लास्ट में तुम देखना जो एनिमी निकलता है ऐसे गले काट के ऐसे जो चाकू दांत पे रख लेते भाई यार, मतलब भाई ने बवाल कर दिया भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा। मतलब देखो इतने बड़े दो स्टार जो है ना भाई इसमें आ रहे हैं ना भाई, तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला। और ये मूवी जो ना मतलब साउथ इंडस्ट्री में ही कमाल नहीं करने वाली मेरे हिसाब से, ये हिंदी में भी जितने भी हम जैसे आप यूज़र हिंदी वाले हैं ना भाई सब, नॉर्थ में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्केटिंग कर सकती है भाई सब। अगर इसका सीक्वेंस स्टोरी थोड़ा बहुत चेंज हुआ, अगर पूरा लूसीफर से उठाया गया थोड़ा बहुत चेंज किया जाए तो अच्छा बन सकता है, क्योंकि इतने बड़े दो स्टार है भाई साहब। तो ट्रेलर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लो, और मेरे हिसाब से आज या तो कल के दौरान हो सकता है कि इसका हिंदी ट्रेलर आ जाए। शायद डायरेक्टर साहब ने कुछ नया प्लानिंग किया या कुछ नया टैक्टिक्स लगाया होगा शायद हिंदी ट्रेलर निकालने के लिए, इसीलिए अभी तक नया एक से दो दिन के अंदर जरूर आ जाएगा भाई साहब। तो आप लोग अभी ने ट्रेलर नहीं देखा तो जाके आप ट्रेलर देख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। We'll be right back.